वो शाम भी अजीब थी, ये शाम भी कुछ अजीब है। वो शाम भी कुछ अजीब थी, ये शाम भी कुछ अजीब। सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना, हाँ जिंदगी यहाँ कल क्या हो उसने जाना। किशोरदा किशोर कुमार वॉइस ऑन्स फिट्स ऑन्स दी राजेश खन्ना टुडे इज आर्ट बाय ग्रुप ऑफ ऑल्स रोमेंस ऑल्स arts and give to all informations Rajesh Khanna Indian's great superstar first superstars of Rajesh Khanna 1942 mein jo hai 1942 mein jo hai paida hui aur uske jo dialogues hain uska bahut famous dialogue hai ki upar aaka tha niche upar aaka hai niche khaka hai this was very parts very famous lekin uske karan usme jo Shakil Badayuni aur Sahir ki jo shayari us waqt chal rahi thi jo रफी की आवाज को जो हम आपको एक गीत सुनाते हैं जिसमें ये रेशमी जुल्फे ये शरबते आंखें तुम्हें देख कर जी रहे हैं सभी, ये रेशमी जुल्फे ये शरबते आंखें तुम्हें देख कर जी रहे हैं सभी, तुम्हें देख कर जी रहे हैं सभी। रफ़ी की आवाज़ उस पर बहुत फिट थी लेकिन ये उसके कारण उसका ये बहुत बड़ा मायनाइक सिंगर जो था लेकिन ये बहुत बड़ा सुपरस्टार दिस वॉज फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ इंडियन फिल्म्स इन 1961 उसकी जो आराधना फिल्म्स आई जिसमें उसके गीत की जो किशोरदा ने चार चांद लगाए और क्योंकि इससे पहले किशोरदा को कुछ प्रोड्यूसर्स और कुछ भी नहीं लेते लेकिन 69 में सब आर वी बर्मन्स की बनी हुई गीत संगीत की दुनिया को और इस मायनाइक और इस घटनाई को और इसकी प्रेम भाषा और रोमेंस की फिल्मों को जब देखते और इसकी दर्द भरी आवाज़ को सुनते तो रफ़ी भी इनके पास दौड़े दौड़े आया। वो गीत जो था जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना। 70 की दहाई में सेवनटीन द फर्स्ट सुपर स्टार्स ऑफ इंडियंस राजेश खन्ना और राजेश खन्ना जो है जो उन्होंने कई फिल्म चौपाल फिल्म्स में करेक्टर उसके अलावा और कई और फिल्में लेकिन दिस वॉज फर्स्ट सुपर स्टार्स और द फीमेल्स लाइक्स वो अपनी कारों में इसको कारों को चूती और उसके अलावा उसकी तस्वीरों से मोहब्बत करती और उसको अपने खून से लिखती दरख्तों पर लिखती और उसको फिल्में पर देखती और उसको राजेश खन्ना वह वेरी फेमस दोस्त टाइम्स और एवरी वंस वॉन्ट टू दिस और उसकी जो फिल्में उस वक्त 15 फिल्में जो उन्होंने साइन की थी और उसको सर कुचलने के लिए जगह नहीं थी और अब उन सब आगे बताता है उसकी लेकिन वीडियो को मुकम्मल देखें दिस वॉज फर्स्ट सुपर स्टार ऑफ इंडियंस गिविंग टू इन्फॉर्मेशन। 74 में उन्होंने एक और फिल्म जिसमें डोली और बंधन फिल्म बनाई जिसमें उनका एक डायलॉग है कि दांतों में चबाना जब चबाकर उंगलियां होंठों से लगाना दीज उसका जो एक डायलॉग रहा लेकिन 70 में उनकी जो खामोशी फिल्म थी जिसमें खामोशी का करेक्टर है जिसमें 70 में एक और उसकी फिल्म थी सफ़र लेकिन खामोशी फिल्म में जो करेक्टर है खामोशी का जिसमें वो शाम की उदासी को इस तरह बयान करते हैं जैसे कि वो शाम भी कुछ अजीब थी, वो शाम भी कुछ अजीब थी, ये शाम भी कुछ अजीब है, वो शाम भी कुछ अजीब थी, ये शाम भी कुछ अजीब है। दिस वॉज बट्स ये जो पोट्री है ये गुलजार ने लिखी दिस रिटर्न टू वो शाम भी कुछ अजीब थी ये गुलजार इंडियन ग्रेट पोइट्स उसने लिखी और गुलजार की जो शायरी है वो भी
इसके साथ रही, लेकिन वीडियो को मुकम्मल देखें। आज हम आपको बहुत ही मायनाक घटनाएँ बताने वाले हैं, वो राजेश खन्ना की जो उनकी जो मायनाक एक्टिंग के मतलब और उसकी फिल्मों के मतलब। अच्छा, गुलजार के बाद हम एक और उन गीत उनका जो था, मैंने वफा उनकी आँखों में। अच्छा, ये एक गीत उनके हाँ था, लेकिन ये हम आपको बताने वाले हैं कि एक और फिल्म जिसमें अमिताभ के साथ उनकी एक और ही महानायक फिल्म जिसमें बहुत सुपरहिट रही और इसकी कहानी जो है राजेश खन्ना को बहुत पसंद आई, और राजेश खन्ना ने पैसे कम लिए, लेकिन क्योंकि उस वक्त राजेश खन्ना की बहुत तोती बोल रहा था और सारे स्टार्स इसके पास आए, और धर्मेंद्र जितेंद्र और एक जगह कहते हैं कि राजेश खन्ना के लिए बहुत से धर्मेंद्र एक पार्टी थी जिसमें धर्मेंद्र जितेंद्र और मेगा स्टार सब खड़े थे, लेकिन जब राजेश खन्ना आए उसकी तरफ सब लड़कियां सब दुनिया भागने लगी और वो कैमरे और सब। तो वो कहते हैं कि उस्मान बरदार ने भी इस पे उस्मान ने भी इस पे बहुत लिखा है, लेकिन अब उनको पास टाइम की कमी है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि सच्चा झूठा फिल्म में उनकी जो जज्बात हैं उसमें जो है उसको अवार्ड भी मिला गया और उसमें इसकी कहानी को बहुत पसंद किया गया, जिसमें वो गीत था, मेरी प्यारी बहनिया मेरी प्यारी बहनिया मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया और भैया बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया और भैया बजाएगा बाजा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया और भैया बजाएगा बाजा बाजा। किशोर दा वॉइस इज ऑन फिट ऑन अब दिस सॉन्ग्स, ये छचे झूठों में जो है इसमें करेक्टर्स में और इसमें सफ़र्स और आर्ट्स का जिक्र, जिसमें एक प्रोफेसर का करेक्टर है जिसमें इंसान की इस दुनिया की जो जज्बात हैं उसका, और एक डॉक्टर का किरदार एक फिल्म के अंदर से वो दिखाते हैं जिसमें जिसमें जीवन से भरी पड़ी है दुनिया। किशोरदा की आवाज़ उस पर बहुत फिट बैठी, लेकिन और एक और फिल्म के अंदर जो उसका गीत रहा जिसमें जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र। इसमें 70 की दिहाई में ऐसी फिल्म है जिसमें राजेश खन्ना को मौत आ जाती है, और एक फिल्म के अंदर वो जो मौत आती है और राजेश खन्ना की जो वालदा थी वो बहुत परेशान होती है, इस मदर्स वॉज वेरी, और वो उसको इस सीन में और फिल्मों से मना करती है, और क्योंकि राजेश खन्ना को जो लोग देखते तो लड़कियां लड़के उस पर रोते रहते थे और वो बहुत सेट था, और क्योंकि उसकी जो फेस रिफ्लेक्शन और एक गुलाब की तरह जो उसका चेहरा था वो गुलाबी, वो लोगों को बहुत और रोमांटिकल, और उसका चेहरा उसके लिप्स उसकी बिल्कुल पंजाबी फिल्मों की जो गीत संगीत उसके लबों पर पूरी जगते थे, और फिट वॉइस थी किशोरदा की। लेकिन 70 की दिहाई में उनकी एक और फिल्म बनी कट्टी पतंग, जिसमें ट्रेंस और कई दूसरी अन मिली और ट्रेंस और कट्टी पतंग फिल्में बनी, जिसमें एक गीत था जिसमें शाम मस्तानी हो मस्तानी मदहोश के जा, शाम मस्तानी हो मदहोश किए जा। किशोरदा की आवाज़ इस पर बहुत फिट बैठी, लेकिन ये याद रखे जिसमें एक और गीत रहा उस दौरान, एक मुझे गीत याद रहते, प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। याद रहे कि उस वक्त किशोरदा की जो आवाज़ थी और पोट्री जो थी वो बहुत फिट पोट्री रही, जिसमें कई पोट्री जो है पोटों की पोटरी, जिसमें जावेद अख्तर, आनंद बख्शी, साहिर लुधियानी, मजरूफ और शैलेंद्र और डिफरेंट स्पोर्ट्स रिटन ग्रेट पोट्री। लेकिन आनंद फिल्म्स भी उनकी कहानी जो है जिसमें बहुत मायनाइज और बहुत अच्छी लगी, जिसमें आनंद फिल्म्स के अंदर अमिताभ का रोल से जिसमें डॉक्टर का किरदार है, और ये बहुत उसको भाग गया राजेश खन्ना को, जिसमें इसमें अमिताभ का जो डायलॉग है वो क्या है कि
छः माह से तुम्हारी बातें सुन सुनकर, तुम्हारी बकबक सुनकर मैं तंग आ गया हूँ। छः माह से तुम्हारी बकबक सुनकर मैं तंग आ गया हूँ। जस्ट लाइक टू द वचन्स एक्टिंग दिस। और उसके अलावा सलीम चौधरी और कई दूसरे एक्टर्स भी जो थे उस वक्त किशोरदा को जो नहीं मानते थे, किशोरदा पे भी आशिक। लेकिन यहाँ पे एक और कारण की बहुत बड़ी बात है कि किशोरदा का एक गीत जो उस पर बहुत फिट बैठा, गोरा का हंस मन मेरा, गोरा का हंस मन मेरा। और किशोरदा की जो वर्ड्स पे स्लिपिंग टू जस्ट लाइक टू हिंदी वर्ड्स, उसकी आवाज़ में रूपदारी थी। और वो हर जावेद अख्तर कहते हैं कि किशोरदा की आवाज़ लता रफ़ी उनसे अलग पहचानी जाती थी, और उसमें एक बहुत बड़ा जज्बात भरी हुई आवाज़ और बहुत बड़ी कड़न होती थी। लेकिन रोमांटिकल वॉइस डीज और 71 से 72 में जो एक फिल्में बनी और उसमें कई ढेर सारे, क्योंकि उसको खुलने के लिए वक्त नहीं था, और राजेश खन्ना ये जो दौर था इसमें दिस राजेश खन्ना में कई फिल्में थी, और इस दौर में जो राजेश खन्ना के लिए कहीं खोजने के लिए टाइम नहीं थी। और उसके अलावा उसको अपना पत्र जो नदानी से कई फिल्में, लेकिन 82 तक वो उन्होंने फिल्में गीत गंगा और कई फिल्में उन्होंने की जिसमें गीत गंगा और को गंगा की धारा सा, दीज डिफरेंट सॉन्ग्स जस्ट लाइक टू न जाने कब, एक ये सॉन्ग था। लेकिन ये हम आपको बताते हैं कि 42 में ये पैद होते हैं। और उसके अलावा जी राउंड फिल्म जो उसमें दुख भरी कहानी है, जिसमें 66 में जो उनका की फिल्में 66 में उसकी पहली फिल्म बनी, और उसके अलावा राजेश खन्ना की 68 की जो आखिरी खत फिल्म बनी। और उसके अलावा कहते हैं कि राजेश खन्ना ने जो 67 से 87 तक किशोरदा का छा दिया। किशोरदा 87 के बाद उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन राजेश खन्ना ने कई फिल्मों में, लेकिन उस वक्त 1970 में वो 15 लाख तक लेते थे, लेकिन 74 से 80 तक वो 80 लाख लेते थे, फिर 70 से 80 लाख तक 75 लाख 70 लाख रुपए वो फिल्मों का मुआवजा लेते, और बहुत सबसे महंगे और इस बार फर्स्ट सुपरस्टार। और 71 में राजेश खन्ना हाथ मेरा हाथ और जो हाथी मेरे साथी जो जावेद अख्तर ने उसमें पोट्री लिखी, और रफ़ी ने भी उसमें सॉन्ग गाए, लेकिन जिसमें कई और उन्होंने गीत संगीत दी। 65 से उसकी जो है 75 तक और 66 से 68 में उसकी पहली फिल्म थी। तो ये दिस वाज ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट राजेश खन्ना। लेकिन याद रहे कि टिम्पल कबाडिया से उसकी शादी 70 में हुई, और उसकी जो रोमेंस भरी कहानी है मेरी दूसरी वीडियो में दे सकते हैं, वो आपको उसके रोमेंस के मुतालिक बताया। तो राजेश खन्ना के एक दो गीत आपको छोटे से सुनाते हैं, और आज के कार्यक्रम में हमने आपको थोड़ी बहुत इंडियन फर्स्ट स्टार्स गिविंग टू इन्फॉर्मेशन। और मेरे साथ आप रहें तो आपको एक गीत सुनाते हैं जिसमें मेरी प्यारी बहनिया, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, और भैया बजाएगा बाजा। मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, दीज सॉन्ग्स ये फिल्म टेकन टू फ्रॉम सच्चा झूठा। ये सच्चा झूठा में जिसमें जज्बात और उसमें जो इसको अवार्ड भी मिला, लेकिन और कई जो इसके गीत रहे जिसमें वो शाम भी कुछ अजीब थी, ये शाम भी कुछ अजीब है, वो शाम भी कुछ अजीब थी। दिस वॉज रिटन टू गुलजार एंड अ डिफरेंट जावेद अख्तर पोएट I have narrated, but no, these all, the death of Rajesh Khanna in any films, the people will very sad, very sorrow, because they know and so, or like us pe marti thi, aur wo jo uska characters aur iski jo acting aur iski lips aur iski face reflections, reels, just like to reels he doing. So these was our first superstars, and please subscribe, likes, and aaj ke karyakram mein hum aapko yahi pe ikhtitam karte hain, to आप मेरे साथ रहें तो अपना बहुत ख्याल रखें। वो शाम भी कुछ अजीब थी, ये शाम भी कुछ अजीब है, वो शाम भी कुछ अजीब थी।